दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज 25 तारीख है, 25 जून। 25 जून का भारतीय इतिहास में अपना ही एक अलग इतिहास है। 25 जून 1975 का ही वो दिन था जब आज़ाद भारत की सबसे काली रात आई। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को कैद करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। इस पर सबसे बड़े कलंक माने जाने वाले आपातकाल को आज पूरे 44 साल हो गए हैं। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि जब देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे भारत ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ में उनका एक संदेश सुना। भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इसमें आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। क्यों लागू हुई इमरजेंसी आपातकाल, यह प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्ती दिलाई और खुद भी बड़े अंतर से चुनाव जीत गईं। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने इलाहाबाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने सरकारी मशीन का दुरुपयोग अपनी जीत के लिए किया है। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया गया, उन पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अपनी जीत के लिए करने का आरोप सिद्ध हुए और उन्हें 6 साल के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। इस फैसले से आकर्षित होकर ही इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया। इस दौरान देश में जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी तरह के आंदोलनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। समाचार पत्रों को भी एक विशेष प्रकार की आचार संहिता का पालन करने के लिए विवश कर दिया गया, जिसके तहत प्रकाशन से पूर्व सभी लेखों और समाचारों को सरकारी सेंसर से गुजरना पड़ता, अर्थात तत्कालीन मीडिया पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को जगह जगह से गिरफ्तार करके उन्हें किसी अज्ञात जगह पर रख दिया गया। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक नेता की, जिसे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अपने काफिले को रुकवाकर नमस्ते किया करती थी, जिसने चुनाव में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौधरी मणिराम बागड़ी जी की। एक समय था जब राजनीति उसूलों पर चलती थी, नेता सिद्धांतों पर अड़िग रहते थे। ऐसा ही उदाहरण है हरियाणा के शेर दिल कहे जाने वाले सांसद मणिराम बागड़ी का। जीवन भर समाजवाद से जुड़े रही। 1980 के बाद का एक किस्सा बागड़ी परिवार के जहन में आज भी तरोताज़ा है। सांसद मणिराम बागड़ी बेटे सुभाष बागड़ी के साथ दिल्ली के अपने सरकारी आवास 3 मूर्ति लेन से पैदल ही दूध लेने जा रहे थे। तभी सामने से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काफिला आ रहा था। पीएम इंदिरा गांधी ने काफिले को रुकवाया और गाड़ी का शीशा नीचे किया। इंदिरा गांधी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े और मणिराम बागड़ी को नमस्ते की। उन्होंने भी इंदिरा जी का अभिनंदन स्वीकार किया। मणिराम बागड़ी सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान थे। संसद की मुख्य गैलरी से जब भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी निकलती थी तो सभी सांसद साइड हो जाते और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते, लेकिन मणिराम बागड़ी एक तरफ खड़े हो जाते थे और कभी भी पीएम को नमस्ते नहीं की। किसी सांसद साथी ने इस बारे में बागड़ी से पूछा तो उन्होंने सहज भाव में उत्तर दिया। मणिराम बागड़ी साफ शब्दों में बोले, यदि मैं प्रधानमंत्री को रोज़ाना नमस्ते करूँगा तो आप जैसे साथी ही कहेंगे कि वह चापलूसी कर रहे हैं कि शायद पीएम से इन्हें कोई काम करवाना है, इसलिए वह पीएम इंदिरा गांधी को नमस्ते नहीं करते। लेकिन जब इंदिरा गांधी पीएम पद से हटी तो बागड़ी ने उनको स्वयं ही नमस्ते की। आपातकाल के 21 महीनों के बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो सब चीज़ें सामान्य होनी शुरू हुई। 1977 के आम चुनाव हुए। 19 महीने जेल में गुजारने के बाद मणिराम बागड़ी ने तो भारतीय लोकदल की टिकट पर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे अभी तक कोई दल या कोई प्रत्याशी तोड़ना तो दूर आसपास तक नहीं पहुंच सका है। उन्होंने उस समय पड़े 3,92,137 मतों में से रिकॉर्ड 76.79% यानी 2,96,518 मत प्राप्त कर ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जो 42 वर्ष बाद तक अक्षुण है।
उस समय मनीराम बागड़ी मथुरा से चुनावी मैदान में थे। सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे मनीराम बागड़ी सांसद में अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता थे। संसद परिवार का एक ही किस्सा है। संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद एस एन सिन्हा ने मजाक में सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं को कहा कि मनीराम जैसे अनपढ़ संसदीय दल का नेता कैसे बना दिया। तभी बागड़ी संसद में घुसे तो कहा कि इसका जवाब स्वयं बागड़ी जी ही देंगे। मनीराम बागड़ी जी हाजिर जवाब थे। उन्होंने अपने हरियाणवी लहजे में कहा कि जब सत्यनारायण सिन्हा अपनी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ कनॉट पैलेस से निकलेंगे तो लोग भेड़ बकरियों का काफिला बताएंगे, लेकिन वह अपनी सोशलिस्ट पार्टी के साथ सांसदों के साथ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये देखो संसद के साथ शेर जा रहे हैं। इतनी बात सुनने के बाद सिन्हा की बोलती बंद हो गई। ऐसी कई बातें हैं जो मनीराम बागड़ी की साफ गोई को आम आदमी से जोड़ती थी। मनीराम बागड़ी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। वह 1962 1980 में हिसार लोकसभा से तथा 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर मथुरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 1952 में वह फतेहाबाद से विधायक भी रह चुके हैं। राम मनोहर लोहिया, मधुमेह लिमे, बीपी मौर्य, कपूरी ठाकुर, महारानी पटियाला, सरदार सोहन सिंह और देश के दर्जन दिग्गज नेता उनके हिसार स्थित आवास पर आ चुके हैं। आपातकाल में उन्होंने भी अपने परम मित्र चौधरी देवीलाल जी के साथ जेल काटी। हिसार के मोती बाजार में जहां मनीराम बागड़ी का आवास है उस चौक को बागड़ी चौक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर कभी देश प्रदेश के बड़े बड़े नेता बैठकर मीटिंग किया करते थे। 31 जनवरी 2012 91 वर्ष की उम्र में हिसार में इनका देहांत हो गया। कैसा लगा आपको आज का हमारा नया वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।